कैसा काम रहा अरविंद केजरीवाल का? भाई साहब बहुत अच्छा है, देखो कितना बहुत अच्छा काम है अरविंद केजरीवाल का। सुनो तो सही भाई साहब, कितना अच्छा दिख रहा है। कहते हैं कि जेल में बैठे हैं, जेल में कभी आपने देखा है कि कोई सरकार चलाता है जेल से? कौन चलाता है? माफिया चलाता है। अरे अरविंद केजरीवाल तो नई राजनीति की बात बोलते हैं ना, माफिया गिरी है राजनीति, कैसी राजनीति? माफिया गिरी कर रहे हो तुम, बोलते हो नई राजनीति। लेकिन उनको तो चिंता हो रही है, पानी को लेकर चिंता जताई, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर, दवाइयां कब नहीं पड़नी चाहिए। हमारे इस एरिया में पानी और सीवर की इतनी गंदी हालत है, यदि आपके पास 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट का देखो सारे ओवरफ्लो हो रहे हैं, जो जो ये सीवर ये जो ड्रेन है, ड्रेन पीडब्ल्यूडी के, लेकिन यहाँ लोग पीडब्ल्यूडी के अंदर जो पीडब्ल्यूडी के जो क्या कहते हैं ड्रेन है वो भरे हुए हैं। बोलने पे वो कहते हैं कि नया बनवा लो। यार नया क्यों बनवा लो, वो जब साफ हो सकता है तो नया क्यों बनवा लो? लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा था, वो बोल रहे हैं भाई गौतम गंभीर मौजूदा सांसद है, खैर इस बार टिकट नहीं मिला, उन्होंने इच्छा जाहिर नहीं की, लेकिन नजर नहीं आते हैं वो तो। अपने अपने काम में सभी व्यस्त रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो अपने अपने काम में हमेशा व्यस्त रहता है। जनता ही बोल रही है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बार आते हैं, बहुत बार सपने हैं, सबकी बात को समझते हैं, अपने काम को व्यस्त तरीके से करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि गौतम गंभीर। आप कुछ बोलना चाहते हैं? जो काम करता है वो नजर नहीं आएगा, वो अपने कैमरे की तरफ कार्य में लगे रहते हैं। बीजेपी वाले हैं वो कार्य करते हैं और अपने शुद्ध कार्य में लगे रहते हैं। विश्वगुरु था, विश्वगुरु है, आज उनकी कृपा से हर घर मंदिर हो गया, हर दिल मंदिर बनाया। आप बताइए काम हुआ है दिल्ली में? केजरीवाल जब बाहर था तब पानी की फिक्र नहीं की, जनता फिक्र नहीं की, इतना गंदा पानी देता था, और अब जेल में जाके वो पानी की फिक्र कर रहे हैं, पब्लिक की फिक्र कर रहे हैं। ये जो जेल से फिक्र कर रहे हैं क्या है? ये सब दिखावा है, ये दिखावा है, ये दिखावा है। सिंपति गेन करने के लिए कर रहे हैं, वो सब सिंपति गेन करना चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा बोल रहे हैं दिखावा है। एक सेकंड, यहाँ पर बोल रहे हैं कि दिखावा है, जेल के अंदर से जनता कितनी फिक्र केजरीवाल कर रहे हैं। आप खुद आपके हाथ में, आप देश के राजा, राजा चाहे जिसको मर्जी जेल में डाल दे, कोई अपने बात कोई कह नहीं सकता, किसी को आप उसका जवाब देने नहीं देंगे है? आप एक बात बताइए, ये दिल्ली में हमारे से कितनी बार हारे? 70 में से 67, फिर 70 में से 62, अभी हाल फिलहाल नगर निगम का चुनाव हारे। ये केजरीवाल जी से इतनी बार हार चुके हैं और इनको सबसे बड़ा झटका केजरीवाल का डर है। केजरीवाल जो पंजाब में जो बोल रहे हैं, केजरीवाल ने इतनी बार हरा दिया, केजरीवाल का डर है? डर तो है ही नहीं के ऊपर, जो हमारा इसके ऊपर डर है, जो केजरीवाल का बीजेपी वालों को, बीजेपी को डर है इनको कैंडिडेट से, जो हमारा कैंडिडेट जीतता है उसको खरीदने की कोशिश करते हैं, धमकाते हैं, उनको पर ईडी भेजते हैं, पैसा भेजते हैं। और एक बात बताइए, एक बात, ये स्कूल खड़े हैं किसने बनवाए? ये स्कूल खड़े हैं किसने बनवाए, एक बार दिखा दीजिए, केजरीवाल ने। आप कानून को नहीं मानते, आप संविधान को नहीं मानते, नो नोटिस आए ईडी के क्यों नहीं गए आप? अगर थाने गए सच्चो, हम लोकल लीडर अगर हमें बुलाता तो हम जाकर के जवाब करते हैं, क्या सच्चो साहब आपने हमें क्यों बुलाया? हम क्षेत्रीय नेता हैं, अगर एसएचओ साहब हमें बुलाते हैं कि रोहतास जी आपको थाने आना, तो हम जाकर के मिलते हैं वहाँ पर, क्या साहब आपने हमें क्यों बुलाया? आपको ईडी ने नोटिस, यानी मजबूरन गिरफ्तार करना पड़ा। ये जो केजरीवाल जो मतलब कहते हैं, ये जो केजरीवाल कहते हैं कि ईडी जो है सब झूठ बोल रही है, तो जो सबूत दे पब्लिक के सामने। देखिए उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल बोल रही है कि जिस दिन आए थे गिरफ्तारी के लिए उस दिन सिर्फ 73,000 रुपए मिला है घर से, 250 रेट हो गए, 1 रुपया नहीं मिला कहीं से। तो वो रुपया कहाँ गया, कहाँ गया वो रुपया? जब वो डीजीपी रहे बेटा, आप कुछ बोलना चाहते हैं बोलो। हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ कि देश का भविष्य हमारी बीजेपी की पार्टी के साथ ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसा कि आप भी जानते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने ही हमारे देश को फर्स्ट डेमोक्रेसी बनवाया है, और अपने साथियों के साथ वो ही इतने सारे काम कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट और बहुत सारे उन्होंने कैंपेन चलाए हैं, उस वजह से उन्हीं को हमारा अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए मेरे साथ। चलिए ये बहुत ठीक है, आप बोलिए बोलिए जल्दी। 12-13 केजरीवाल के स्टेटमेंट देख लीजिए, 12 और 13 के स्टेटमेंट देख लीजिए, उन्होंने पूरी फेरी थी, उनके बाद सब चोर थे उस समय, आज मित्र बन गए। तो मैं अपने आम आदमी पार्टी नेताओं को बोलना चाहता हूँ कि भैया इतना मत करो भैया, थोड़ा देखो, हर चीज देखनी पड़ेगी आपको, ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज करके आप कुछ ही बोल दोगे। आप बोलिए क्या बोल रहे? आ रहे हैं मोदी, छा रहे हैं मोदी, रोक सको तो रोक, 400 बार क्या बोल रहे हैं? आ रहे हैं मोदी जी, छा रहे हैं मोदी जी, रोक। लेकिन इंडिया अलायंस तो है, इंडिया अलायंस कुछ नहीं होगा, इंडिया तो इंडी हो गई, आपको पता है। अच्छा आपकी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही, लेकिन आप कुछ बोलना चाहते हैं, जो माहौल बना है क्या बोलेंगे? देखिये माहौल 2014 में कुछ उम्मीद थी मोदी जी से,
2019 में भी उम्मीद थी मोदी से, लेकिन ना तो वो 15 लाख का जुमला उछाला, वो फेल हो गया। कोई बात कहते हैं, अब किस बात पे यकीन करें कि वो बात को पूरी करेंगे? जब बात नहीं हो पाती तो उसे कह देते, वो तो कौन नहीं बात को पूरा कर रहा, मोदी जी बात को पूरा नहीं कर पाते। जो बात उनसे पूछो कह रहे वो तो चुनाव का जुमला था, मैं कहाँ से दूँ, नौकरियाँ कहाँ से। इस बार क्या लग रहा है पूर्वी दिल्ली में गठबंधन, यहाँ से पूर्वी दिल्ली से गठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे 90% सारी बात देखिए, एक एक करके एक जब मैंने गठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि क्योंकि इनके जो एमपी आए दो बार महेश गिरी जी आए, गौतम गंभीर जी आए, उन्होंने कोई काम नहीं किया क्षेत्र में, कभी नहीं आए। लेकिन हम ठीक है, अच्छा यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, एक बात बताइए, मैं आपके पास आ रहा हूँ, जो एक सेकंड सवाल मेरा सवाल हो जाए पहले, सवाल प्लीज सवाल एक बार मेरा सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। बीजेपी का नारा 370 प्लस और एनडीए के लिए 400 प्लस, लेकिन उसी को चैलेंज करने के लिए तो इंडिया अलायंस बना है, कुछ हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो वो शख्स है जो ईडी के सामने पेश होने के लिए भी कंडीशन लगाता है कि अगर गिरफ्तार ना करो तो मैं पेश होऊंगा। ये कानून नहीं मानता, ना नैतिकता मानता, ना कुछ नहीं मानता, तो ये पब्लिक सब समझ रही है। इस बार जितनी पिछली बार उनकी आई थी ना सीटें, उससे भी कम आएंगी, आप देखिएगा हम 400 पार करेंगे। यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के आने से कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जितना अच्छा इंडिया अलायंस कुछ नहीं कर पाएगा बीजेपी के सामने। देखिए जब रिजल्ट आएगा ना सबको पता लग जाएगा। अभी से आपके हिसाब से क्या होगा रिजल्ट में, आपके हिसाब से आज आज ये इनको इनको 200 सीटों के लाले पड़ रहे हैं, जो इन्होंने इतने अपने इनके जो सांसद थे इन्होंने अपने सांसद तब ईवीएम खराब हो जाएगा, और 400 हार करेंगे। अब की बार राहुल गांधी आए, छोड़िए मैं वहां भी जाऊंगा, पीछे भी कुछ लोग हैं। बोलिए बोलिए जी, मोदी क्यों जरूरी है मैं बताता हूँ आपको। अरे कुछ विशेष के लिए और पावन भेष के लिए, अरे सनातन सनातन धर्म और अपने देश के दिए, और कहता खेत पे किसान और खड़ा सीमा पे जवान। सनातन मुद्दा है हाँ, कहता खेत पे किसान और खड़ा सीमा पे जवान, और हमें खेलने को भारत माँ की गोदी चाहिए। वक्त बहुत कम बचा है। अरे हटो जी पप्पू जी, अभी तो हमें मोदी चाहिए। चलिए यहाँ पर मैं बोलिए।